वाईएसआर पार्टी की जानिब से बालापुर रॉयल कॉलोनी में पैदल दौरा किया गया, जिसमें आवाम से मुलाकातें की और मसाइल दरियाफ्त किया, जिस पर साबिक वजीर दाखिला सबिता इंदरेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि कोई तरक्याती काम मुकम्मिल नहीं हुए और बहुत से मसाइल को उन्होंने वाईएसआर पार्टी के भास्कर रेड्डी के सामने पेश किए। माइनॉरिटी के साथ वाईएसआर लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। बालापुर में रॉयल कार में दौरा कर रहा हूँ मैं आज वाईएसआर पार्टी तरफ से। मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये रॉयल कॉलोनी में पूरा ड्रेनेज बैरिज है, रोड्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ये सिटी का करीब है ये बालापुर, ये रॉयल कॉलोनी। इधर दो मिनिस्टर है, एक बार भी इधर दौरा नहीं करा। ये पूरा जनता वो कांग्रेस पार्टी में रिवर्स है आज। वाईएसआर पार्टी को नेक्स्ट आगे के दिन में उनको वोट डालने को रेडी है आज। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ उनको, मैं सबिता इंद्रेड को आज माइनॉरिटी से वोट लेके अब जीत के आज एक बार भी नहीं देखा क्या, कहीं को बोल रहे। मैं उनको पूछा चाह रहा हूँ मैं आज उनको, सबिता मैडम को। मैं अगले नेक्स्ट टाइम में सबिता इंद्रेड इधर आए तो उनको 100% उनको हराने को ये जनता रेडी है आज। रंगारेड्डी अखिलेती सदर होने के नाते मैं आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से बालापुर ग्राम पंचायत रॉयल कॉलोनी में दौरा किए। हम भास्कर रेड्डी हमारे कोऑर्डिनेटर महेश्वरम कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर हम देख रहे हैं आज हमारे मुसलमान के साथ सबिता रेड्डी को कई को दुश्मनी। आज मैं सबिता रेड्डी से पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग मुसलमान लोग सबिता रेड्डी को क्या बुरा करे? हमारे वोट लेकर, हम मुसलमान वोट लेकर आज जीत कर उन्होंने इख्तदार में आकर एक होम मिनिस्टर बनकर हमारे मुसलमान बस्तियों को इतना पीछे क्यों छोड़ दिए? हैदराबाद से 2 किलोमीटर पे बालापुर रॉयल कॉलोनी है, गुट्टे को लक्कर कॉलोनी है। यहाँ पर की हालत ऐसी बुरी है कि हम बता नहीं सकते कि रोड पर चलने के लिए रोड सही नहीं है, ना तो पानी की सहूलत। 15 दिन को एक मरतबा यहाँ पर मीठे पानी की सहूलत है,